न्यायाधीश की न्याय शैली। यमराज जी, चित्रगुप्त जी, हमारे यमदूत इसकी आयु पूरी होने पर इसे लेकर आए हैं। इसके कर्म पटल पर आप क्या देखते हैं, इसके बारे में बताइए। यमदूतों द्वारा लाई गई आत्मा में से पारदर्शी आकृति रूपी ऊर्जा निकलकर चित्रगुप्त जी में समाहित हो जाती है। चित्रगुप्त जी बोले, इसने जीवन में बहुत चोरियां की हैं, जिसका फल इसे मिलेगा, लेकिन एक पुण्य इसने किया है जिसे कम आका नहीं जा सकता। यमराज जी, वो कैसा पुण्य है जिसका उल्लेख आपके द्वारा किया जा रहा है? चित्रगुप्त जी, चोरी करने के बाद जब ये अपने घर लौट रहा था, उस समय बाढ़ के कारण एक टापू पर फंसे लोगों को निकालने के लिए इसने नावों को बांधकर पुल बना दिया था। इसके जाने के बाद उस नाव के सहारे बहुत लोगों ने अपनी जान बचाई थी। इसकी सूचना इसे ना होने पर भी इसके द्वारा वह कार्य हो गया। परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं है जिसके कारण इसे कष्टप्रद योनि में नहीं भेजा जा सकता। इसे पुनः मानव जन्म दिया जाना होगा। हालांकि अन्य कोई भी अच्छे कर्म ना होने के कारण एवं बुरे कर्म अधिक होने के कारण इसकी आयु अल्प होगी। इसे ऐसे परिवार में भेजा जाएगा जिनके कर्म फल के कारण उन्हें पुत्र शोक से ग्रसित होना पड़ेगा। मृत्यु के देवता यमराज जी सहित सभी इतने निष्पक्ष, सटीक और स्थिर न्याय से आश्चर्य में थे। मां आदि शक्ति के वरदान का फल महाराज चित्रगुप्त के निर्णय पर साफ दिखाई दे रहा था।